प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और मुझ में एक चीज कॉमन है, हम तीनों यूट्यूबर हैं, लेकिन कुछ कुछ अंतर भी है। सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू जब राहुल गांधी कर रहे थे तो मुझे अच्छा नहीं लगा। अच्छा अपने लिए नहीं कि भारत की पत्रकारिता अब इस हाल में हो गई कि विपक्ष के नेता को पत्रकार बनना पड़ रहा है और जो पत्रकार है वो विपक्ष की हत्या कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और मुझ में एक चीज कॉमन है, हम तीनों यूट्यूबर हैं, लेकिन कुछ कुछ अंतर भी है। राहुल गांधी शायद नहीं कहते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर कहा भी होगा तो मेरे ध्यान में नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो उस मामले में मैं उनसे सीनियर हूं क्योंकि उनके पहले से मैं कहता आ रहा हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो और ट्विटर पर भी मैं उनसे सीनियर हूं, प्रधानमंत्री से उनसे पहले आया हूं ट्विटर पर। तो खैर, अब उनके समर्थक मेरा मजाक उड़ाते थे कि ये ट्विटर पे मांग रहा है और सब्सक्राइबर ढूंढ रहा है इसको नौकरी से नहीं। देखिए, पत्रकार खुश है पत्रकार की नौकरी जाने से, तो हम यहां तक आ गए हैं। लेकिन वो जब उन्होंने सब्सक्राइबर मांगना शुरू कर दिया तो मैंने कहा चलो एक मामले में तो मेरी जीत हुई, कम से कम मुझे फॉलो कर रहे हैं और ठीक से अच्छे के लिए फॉलो कर रहे हैं। तो यह है कि आपको समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री को क्यों यूट्यूब पर आना पड़ा, राहुल गांधी और मुझे क्यों यूट्यूब पर आना पड़ा। दोनों के कारण अलग। प्रधानमंत्री के पास अगर बाजार का मीडिया, उसे छोड़ ही दीजिए, बेहिसाब दूरदर्शन के तमाम चैनल हैं, आकाशवाणी के तमाम चैनल हैं, इसके बाद भी उन्हें यूट्यूब पर जाकर कहना पड़ा कि आप हमें सब्सक्राइब कीजिए। इसलिए नहीं कि टेलीविजन के बताया जाता है कि दर्शक कम हो गए हैं, ये कुछ कारण रहे होंगे, या फिर इन एंकरों की साख खत्म हो गई है तो अब ज्यादा उससे वसूली नहीं हो रही है, पर मुझे लगता है कि यह बहुत ज्यादा मजबूत कारण नहीं है। हमें यह कभी भी भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि YouTube का जो स्पेस है वो कोई गैर सांप्रदायिक स्पेस है, वहां पर ज्यादा सांप्रदायिकता, मुख्य धारा के गोदी मीडिया से कहीं ज्यादा सांप्रदायिक पत्रकारिता या फिर सामग्रियां, ऐसे कार्यक्रम मजबूती से जमे हुए हैं। तो प्रधानमंत्री उनके तक पहुंचने के लिए कह रहे हैं कि मुझे भी सब्सक्राइब कर लो और अपने अपने कार्यक्रम में मेरा भी थोड़ा थोड़ा डालना शुरू करो, तो ये किए हैं। लेकिन राहुल गांधी को मीडिया ने जिस तरह से ब्लॉक किया, एक विपक्ष के नेता को, वो जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं अदाणी के मामले पे तो वो तो कभी दिखाया नहीं जाता है, कभी उस पर बहस नहीं होती कि राहुल, क्योंकि जब आप बहस करेंगे तो अदाणी पर जितने भी खबरें छपी हैं वो सब रिसर्च में ऊपर आ जाएंगे, प्रवक्ता बोलने लग जाएगा, तो करना ही नहीं है। तो इस तरह से आपके सामने ये स्थिति बना दी गई है। सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू जब राहुल गांधी कर रहे थे तो मुझे अच्छा नहीं लगा। अच्छा अपने लिए नहीं कि भारत की पत्रकारिता अब इस हाल में हो गई कि विपक्ष के नेता को पत्रकार बनना पड़ रहा है और जो पत्रकार है वो विपक्ष की हत्या कर रहा है, तो इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा। और यह भी लगा कि जिस नेता को मीडिया ने मजाक उड़ाया और कमजोर साबित कर दिया, उस नेता ने अपने एक इंटरव्यू से लाखों करोड़ की इंडस्ट्री वाले मीडिया को हमेशा हमेशा के लिए शर्मिंदा कर दिया कि जब तुम नहीं हो तो हम विपक्ष का नेता भी बनेंगे और हम इंटरव्यू भी करेंगे। यह बहुत दुखद क्षण था जब मैं उस इंटरव्यू को देख रहा था, देखते समय हर क्षण मुझे बहुत दुख हो रहा था कि इतना बड़ा देश, इस मीडिया का इकबाल इतना गिर गया।